वो मेरा राम है, वो मेरा श्याम है, वो मेरा शिव है। इन्हीं को पूजिए, ये बाबा बैरागी के झमेले में ज्यादा मत पड़िए। अब जिनके पास ज्ञान नहीं है, 80% इस देश की जनता, बुरा मत मानना, आज भी उसी चाल में चल रही है, उसी डर्रे में। अपनी पूजा कराने के लिए दौड़ोगे तो जीवन में तुम्हारी कभी कहीं पूजा नहीं होगी। इसका प्रमाण शिव पुराण है कि ब्रह्मा की पूजा बंद हो गई। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, जाप मैं वचन देता हूं, तुझे श्राप देता हूं, तू अपनी पूजा के लिए दौड़ रहा था, तेरी पूजा कहीं नहीं होगी। हाँ, इस श्राप से पहले एक जगह बन गई जिसका नाम है पुष्कर, वहां तेरी पूजा होगी, क्योंकि श्राप से पहले बन गई थी और कहीं नहीं होगी। पुष्कर, ब्रह्मा के कर से पुष्प गिरा, जय का नाम बढ़ गया, वो पहले हो चुका था। ब्रह्मा जी रोने लगे, हे भोलेनाथ मेरी पूजा, बोले बिल्कुल नहीं होगी तेरी पूजा, भाग यहां से। ब्रह्मा ने बड़ी प्रार्थना करी तो बोले तेरी पूजा यज्ञ में होगी। यज्ञ करते हैं ना तो कुंड के दाईं तरफ एक चावल का पात्र रखा जाता है, उसमें कुसा बना करके रखा जाता है, वो ब्रह्मा जी का पात्र होता है, उनके नाम से यज्ञ में पूजा होती है बस। लेकिन ब्रह्मा जी की कोई मूर्ति लगाकर मंदिर बनाकर पूजा कहीं नहीं कर सकता, ये भगवान शिव का श्राप है। और नारायण को देखा तो भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए, वाह नारायण आपने सत्य की रक्षा की है, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी घर घर में पूजा होगी, नारायण आपकी जन जन में पूजा होगी, और आपका नाम होगा सत्य नारायण। जिसने सत्य बोला, सत्य की रक्षा करी, वो कौन है?